क्या करने वाली हूँ ऑन द वीडियो विक्रम जिम फाइट सीन फ्रॉम द मूवी विक्रम ऑफ कमल हसन सर. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम अलीना, यू वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. मुखौटे वाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटे वाला ही कर सकता है. हमारे इज द राइट पर्सन फॉर दैट सर. केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये हैं. ये है अरुण, टेकी हमने हैंडपिक किया है. सर विक्टिम नंबर वन प्रभंजन एज 33 नारकोटिक्स ब्यूरो. सर विक्टिम नंबर टू करण एज 60 प्रभंजन उनका बेटा बट अडॉप्टेड सन. नो अडॉप्टेड फादर. बेटे ने बाप को गोद लिया. प्रभंजन स्टीफन राज ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं. इनकी डिटेल्स निकालो. लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था तो इस कॉमनर को उस मास्क में ने क्यों मारा? उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया. फुकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम. करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे. कुछ दिनों के लिए मैं भी यहां नहीं था. यहां आया तो सब पता चला. सॉरी. एनीवेज उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए. थैंक्स. क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता. इफ यू डोंट माइंड उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं? वो भी इस उम्र में. आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना. लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से. इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई, सोचो क्या क्या किया होगा. इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती. एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं. मैंने भी यकीन कर लिया पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना. क्या हुआ दीदी के? अंकल उठिए. विमला प्लीज. प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए. मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा. उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ. और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है. लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूं. बच्चे को दिल की बीमारी है. एपिलेप्सी डिसऑर्डर. ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता. सॉरी मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे. सिर्फ एक मिनट. नहीं सॉरी विमला ताई, मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ. ठीक है दीदी. एक्चुअली प्रभंजन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर. उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं. बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया. वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं. उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे जब मैं अपने माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया. बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी. बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया. सुबह उठ के कहाँ कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं. वो गांजा बहुत पीते थे. सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे. हमेशा की तरह तो सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते. वहां से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था, चाहे कुछ भी मिस करें या ना करें.
सुबह 7 से 8 कॉल क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे। जो बता दिया काफी है निकल। तुझे कितना कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो वही कहानी छाप दे, मुझसे क्या पूछ रहा है। क्या हुआ, ये क्या कर रहा है? बोल साले, क्या हुआ था? Is he still here? माय गॉड, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है ना, सीरियसली। एक्चुअली एरिथ्रोक्सिलम नोवोग्रेनिटेंस है, इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन। प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बाप रे। You're right, sir. उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्कमैन का मर्डर करना, ये एक ही दिन हुआ। और आपके द्वारा करण के घर से उठाए रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरची में किया गया है, कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है, धोती धुरंधर। के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। बोल दे रहे क्या? हाँ, भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहे तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना। है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डी कोड चंदन। सुना है कि वर्कआउट करने यहीं पे आते थे, वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा, इसलिए क्या बताऊं बेटा,
करण को मैं 40 साल से जानता हूं। वो कहां जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह। वो जिस तरीके से मैजिक कर रहा है हर जगह पे। मुझे दारू से नफरत है जवान। इन्हें मेरे भी 6 पैक आखिर वो छोड़ो। तुम पियो लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। देख देख जिम में आके लड़की पे कमेंट करके जिम में दारू पी रहे। चलेगा। माना कि बेटा मर गया तो विस्की पी, ब्रांडी पी, लेकिन लड़की कैसे भूल गया तेरा एक पोता है प्रोस्टिट्यूट। अरे हाँ, उसी के कमरे में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मुझे मारने आ गया। तब से दोस्ती खत्म, बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था वो ऐसे मरेगा। बॉडी तक नहीं मिली, बस कुछ चिथड़े मिले। जो इंट्रोडक्शन वाला था सर, आपके पास उस उसका एड्रेस है क्या? सर कुछ पूछ लेता। ओके, अच्छा उसका एड्रेस। मैं भी पूछने गया था। बच्चे को दिल की बीमारी है, मुझसे बोला। ओह गॉड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। ओके, मैंने मूवी नहीं देखी अब तक, एंड इसलिए सीन देखो, मैं मूवी देख सकती थी, बट इन द सीन रिएक्शन के टाइम वो एक्साइटमेंट नहीं आती है फिर, तो दैट्स द रीजन। ये खत्म होते ही मैं मूवी देखने वाली हूँ बाय द वे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दे रही है मुझे हर एक सीन के साथ। अभी मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, ये सारे जो चीजें है ये मेड अप चीजें है, लाइक ये सारे मेड अप स्टोरीज है कि ये ऐसा करता था। पता नहीं है ये सच में, क्योंकि मैंने सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, आई एम ड्रिंकिंग वगैरह, वो जो था वो बीच में वाला, जो अभी बीच में सॉन्ग जो रन हो रहा था, वो ये मेरे गेसेस है। आप लोगों ने जैसे मूवी देखा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना कि एग्जैक्टली क्या था, बिकॉज मैंने जो पहला सीन रिएक्ट किया था वो है इंट्रोडक्शन सीन। ओके, उसके बाद मैंने किया रोलेक्स सर। रोलेक्स सर के टाइम पे भी वो जिंदा है, एंड में हमने जहां पे देखा था एंड में वो जो लुक था वो सब है, ये तो जिंदा है। एंड उसी सीन में इतने बार कहा गया है कि वो इतने बार मर के जिंदा हो, मर के, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मरा हुआ है। तो इतनी सारी मेड अप चीजें, मेड अप थिंग्स ऐसे लग रही है ना देख के, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी मेड अप स्टोरीज हो सकती है, कि वो ऐसा करता था, वो ये करता था, वो करता था एंड ऑल, बट आई डोंट नो, या फिर हो भी सकता है सच। बट इतनी शराब, इतने ड्रग्स, इतनी सारी चीजें, हाँ उसके बेटे की मौत के बाद ऑब्वियसली, बट अरे हाँ सच भी हो सकता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ना वो एकदम ऐसे सस्पेंस थ्रिलर है ना, एकदम वाइब्स अलग आ रहे हैं मुझे, जैसे मैं रिएक्ट कर रही हूँ तब से सारी चीजें से अलग ही वाइब्स आ रहे हैं, और इतना मन बन चुका है मेरा इस मूवी का
कि मैं आपको क्या ही बताऊं, लिटरली इतना ज्यादा सही लग रहा था, ट्रेलर से लेके सारी चीजें एकदम सही लग रही थी। सो दैट्स द रीजन का लाफ वाफ जो विक्रम सर, मतलब जो कमल हासन सर ने एक्टिंग की है, इंटरोगेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो रात में घुस के वो इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों का क्या बोलते हैं डिटेल्स निकालना, वो सारी चीजें, अरे मजा आ रहा है यार मुझे करने में, इस पर रिएक्ट करने में, ये देखने में, मुझे लिटरली मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन जिम फाइट सीन फ्रॉम द मूवी विक्रम ऑफ कमल हसन सर, जो कि मस्त थी। इस सीन का कोई और नाम भी हो सकता था ना, जिम फाइट तो थोड़ा था, I don't know, but मुझे लगता है यही सीन का नाम है। तो आपको और भी ऐसे वीडियो देखते तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ